स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीपीसी करौली के यूट्यूब चैनल में। यहाँ हमारे पास जो लेक्चर सीरीज चल रही है सीई 310 उसकी यूनिट नंबर 4 चल रही है। उसमें हम यूनिट नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4.12.2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टोन मेसनरी से रिलेटेड जो कोड था वो हमारे पास कौन सा कोड था, IS 13828 1993, ये कोड था। इसके तहत हमारे पास मेसनरी कंस्ट्रक्शन, चाहे वो ब्रिक मेसनरी हो चाहे स्टोन मेसनरी हो, उससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या अर्थक्वेक रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बात करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज है, जो ये वाला कोड है IS 13828 1993, ये हमारे पास ब्रिक मेसनरी इन वीकर मोर्टार में क्या क्या प्रोविजन हमको फॉलो करना है, वीकर मोर्टार के साथ जो जो प्रोविजन फॉलो करने हैं उनके बारे में ये गवर्न करता है, गाइड करता है। तो इसके जो भी गाइडेंस वाले पॉइंट, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, कोडल प्रोविजन है, एक एक करके बोलता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप उतारते जाएं। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया फायर्ड ब्रिक यूज करेंगे आप और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी सूरत में 3.5 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 3.5 से ज्यादा ही रहे, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, ब्रिक मोर्टार में जब भी यूज करें तो लाइम और सैंड का मिक्स अगर यूज कर रहे हैं तो 1:3, और अगर हमारे पास लाइम की जगह यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सीमेंट और सैंड का यूज कर रहे हैं तो 1:6 या उससे रिचर मिक्स ही यूज करेंगे। ठीक है, सीमेंट सैंड का मिक्स हो तो 1:6 और लाइम सीमेंट का हो तो भैया हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल अगर लाइम हो तो 1:3 का हमारे पास यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कोड क्या कहता है, कोड ये कहता है तीसरा पॉइंट में कि यदि हमारे पास सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो भैया एक ब्रिक वॉल थिकनेस की वॉल तो होनी होनी चाहिए, मतलब 230 mm की वॉल होनी चाहिए। और यदि अपने पास कितनी है, डबल स्टोरी है और अप टू 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो भैया हमारे पास जो ब्रिक वॉल की थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 350 mm या डेढ़ ब्रिक वॉल तो होनी होनी चाहिए टॉप स्टोरी में। तो हमारे पास 1 ब्रिक वॉल मतलब ये, और जो ग्राउंड फ्लोर वाला होगा उसमें हमारे पास 1.5 mm की ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ब्रिक वॉल की थिकनेस या मेसनरी कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक वॉल, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास कहाँ पर थी, चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट हमसे कह रहा है कि स्टोरी हायर देन नॉट बी, मतलब कि जो भी स्टोरी की हाइट होगी, जैसे वहां था स्टोन मेसनरी में सेम वही है, स्टोरी की हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी बी और सी जो है वो केवल और केवल तीन स्टोरी तक परमिटेड है, और कैटेगरी डी में केवल 2 स्टोरी बिल्डिंग परमिटेड है। यानी कि अगर कैटेगरी बी और सी कैटेगरी की बिल्डिंग है तो 3 स्टोरी तक आप जा सकते हो ब्रिक मेसनरी में, और यदि आपके पास कैटेगरी डी है तो आप 2 स्टोरी जाओगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, फॉर मेसनरी बॉन्ड एंड ओपनिंग ऑफ वॉल प्रोविजन जो है, मेसनरी जो बॉन्डिंग की जाएगी मेसनरी में और ओपनिंग से रिलेटेड जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जो इसी चैप्टर के हमारे पास, शायद मेरे पास 4 पॉइंट, अगर मैं आपको बुक की हेल्प लेके बताऊं तो ये चीजें हमने ऑलरेडी देख ली हैं यूनिट नंबर 4 पॉइंट। फोर पॉइंट नाइन में हमने देख लिया जहाँ हमने IS 23264 326 से रिलेटेड कोडल प्रोविजन देखे थे, वहाँ बॉन्ड और ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, ओपनिंग का साइज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हमने वहाँ देख लिया। तो आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, इससे पहले वाले को, वहाँ पर हमारे पास जो ये था यूनिट हमारे पास 4.9 वाला जो पार्ट मैंने डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, वहाँ पर मैंने बॉन्ड के बारे में भी और ओपनिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्कस कर रखी हैं, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। इसके अलावा हमारे पास सीस्मिक स्ट्रेंथनिंग के लिए जो अरेंजमेंट होंगे वो भी वही जो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए हैं, सारे के सारे वही आएंगे। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ लो स्ट्रेंथ बिल्डिंग जो है नॉट प्रिफर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटेगरी डी की बिल्डिंग अलाउड नहीं होती और शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन Zone 5, और Zone 5 अगर है आपके तो वहां पर इसको लगाना भी नहीं चाहिए। तो Zone 5 या उसको Zone E भी बोला जा सकता है, तो Zone 5 जो हमारे पास जोन है अर्थक्वेक की, उनसे रिलेटेड ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, और कोई स्पेशल प्रोविजन आपको नहीं करना। अगर यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 1:6 है, अगर हमारे पास 1:6 से या उससे रिच मोर्टार है तो और कोई स्पेशल प्रोविजन के लिए आपको जरूरत नहीं होती सीस्मिक 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख रहे हैं, Zone 5 में हम स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है,
ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया, जो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसको अलग से कवर कर लिया। यहाँ पर हमारे पास IS 13828 की ही रिकमेंडेशन है, परंतु क्ले, ब्रिक और बीकर मोर्टार से रिलेटेड क्या स्पेशल फीचर हम लगाएं जिससे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाए, ठीक है। पुराने वाले थे काफ़ी प्रोविजन जो हम पुराने वीडियो में देखेंगे, इसलिए छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्कोप है नहीं पढ़ाने का, तो इतना ही पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।